तो रुक करेंगे राहुल गांधी संसद में क्या कुछ कह रहे हैं इसको आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार अब कांग्रेस आक्रामक है बीजेपी के खिलाफ। The Prime Minister also made certain commitments 5 years ago to the farmers of this country on prices, on farm loans, on other issues. नहीं बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ। एंड आपने जो बात रख दी जरूर, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ। आप सो द फार्म द देर इज अ टेरेबल सिचुएशन ऑफ फार्मर्स इन दिस कंट्री। The Prime Minister has made commitments to these farmers. So I would request the Government of India to fulfill these commitments. Thank you. माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां तक किसानों की स्थिति का प्रश्न है, यह साल दो साल चार पांच साल के अंदर ही किसानों की दयनीय स्थिति नहीं हुई है। लंबे समय तक जिन लोगों ने सरकार चलाई है किसानों की दयनीय स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी है, बराबर किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उनके द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाने का काम किया है, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नहीं बढ़ाई है। इतना ही नहीं बल्कि किसान मानधन योजना के अंतर्गत सारे किसानों को चाहे उनके पास कितनी भी जमीन क्यों न हो 6,000 रुपया की धनराशि देने का जो का निर्णय हम लोगों ने किया उसे हम लोगों ने लागू भी किया। एक रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि उससे किसानों की 20-25% की इनकम की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी ऐसी सरकार है जिससे कि किसानों के लिए बहुत कुछ अभी हमें करना है लेकिन बहुत कुछ किया है। और सबसे ज्यादा सुसाइड से भी किसानों ने की है तो इसके पहले की है अध्यक्ष महोदय। लेकिन 5 वर्षों के अंदर सुसाइड का नंबर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम हुआ। माननीय सदस्य माननीय सदस्यगण जब आपके माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया है तो माननीय मंत्री जी का जवाब भी सुनना चाहिए। मैंने आउट ऑफ टर्न परमिशन दिए तो आपको जवाब भी सुनना चाहिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको जवाब सुनना चाहिए। माननीय सदस्यों, नियम 30 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए, जो सदस्य 20 मिनट तक सभा पटल पर रख सकते हैं उनके माने जाएंगे। श्री अर्जुन मेघवाल जी, अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आइटम नंबर 13 पे जो आइटम अंकित है, डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये 13 पे लिस्टेड है। एक हमारा लेजिस्लेटिव बिजनेस में द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल भी लिस्टेड है। मैं चाहता हूं कि 13 नंबर आइटम पहले ले लिया जाए तो सारे सदस्य रेलवे पे बोलना चाहते हैं वो बेहतर रहेगा। ठीक है माननीय सदस्य, आइटम नंबर 12 माने अध्यक्ष जी, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू मूव दैट रूल 331G ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा इन इट्स एप्लीकेशन टू द डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट फॉर 20920 बी सस्पेंडेड। प्रश्न ये कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ, हां वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।